देश की राजधानी दिल्ली में नींबू के बढ़े हुए दाम लोगों के दांत खट्टे कर रहे हैं। नींबू अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। खाने की प्लेट में स्वाद के चटकारे लगाने वाला नींबू लोगों को इन दिनों परेशान कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से नींबू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आजादपुर मंडी में नींबू अभी भी 150 रुपये किलो मिल रहा है। यही नहीं, नींबू लोगों के पास पहुँचते पहुँचते 250 से 300 किलो तक हो रहा है। मंडी के आढ़तियों का कहना है कि हाट में तो नींबू के दामों में इतनी तेजी आई है, लेकिन बिचौलिए अपने मुनाफे के लिए लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते नींबू के दाम कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होती हैं। आम जनता को नींबू 250 से 300 रुपये प्रति किलो खरीदना पड़ रहा है। कई घरों ने तो अब नींबू लेना ही बंद कर दिया, और ना ही इस गर्मी के मौसम में पानी पिया जा रहा, क्योंकि जिससे पानी को लोग गर्मी में पसीने से कुछ राहत पाते हैं, उसी नींबू के बढ़े हुए दाम लोगों के पसीने निकाल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी के व्यापारियों का मानना है कि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजह से फसलें खराब हुई, जिसका सीधा असर दामों पर पड़ गया। लेकिन आने वाले 15 से 20 दिनों बाद कर्नाटका और हैदराबाद की फसलें तैयार हो जाएंगी, और जब वहां से नींबू आजादपुर मंडी में पहुँचेगा तो उसके दामों में भी कुछ नियंत्रण आने की उम्मीद लगाई जा रही है। अभी 130-140 रुपये किलो यहाँ होलसेल में बिक रहा है, और बाहर जाके जो परचून वाले हैं वो 200-250 रुपए किलो बेच रहे हैं, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। हरी सब्जियों की बात की जाए तो हरी सब्जियों में भी आग लगी हुई है। जो आजादपुर मंडी में 30-40 रुपए किलो भिंडी या बैंगन बिक रहे हैं, या तोरी बिक रही है 50 रुपए किलो, वो बाहर जाके सीधा 100 रुपए किलो बिक रही है। रेट बढ़ने की वजह क्या है, पेट्रोल डीजल की? एक तो पेट्रोल डीजल का इफेक्ट हुआ है, दूसरा ये है कि जो राजस्थान, गुजरात, इसमें राजकोट में फ्लड आया, बारिश हुई, उससे पेड़ सारे ख़त्म हो गए, उसके कारण फसल ख़त्म हो गई, नहीं तो वो फसल भी इस टाइम आती थी। और आंध्रा का भी चलता था, हैदराबाद का भी चलता था, और कर्नाटक का भी चलता था। इस टाइम कर्नाटक में फसल नहीं है, 15 दिन में कर्नाटक की फसल भी भरपूर चालू हो जाएगी, तो 100 रुपये के अंदर में रेट हो जाएगा।